राधा माधव जय कुंज बियारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर सत्श्री श्रीमधीर डिवाइन ग्रेस अभय चरणार अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय।
श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी All glories to Simple Devotees, All glories to Simple Devotees, All glories to Simple Devotees, All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 27। अध्याय का नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। श्लोक संख्या 15। मेरे पीछे बोले तम ते चंडवेगानुचरा पुरंजन पुरम यदा हर तुमारे भिरे तत्र प्रत्यसे धन प्रजागरा ते चंडवेगानुचरा पुरंजन पुरम यदा हर तुमारे भिरे तत्र प्रत्यसे धन प्रजागरा ते चंड वेगानुचरा पुरंजन पुरम यदा हर तुमारे भिरे तत्र प्रत्यसे धन प्रजागरा। बोलिए वैष्णव देवियां शब्दार्थ बोली ते वे सब चंडवेग के अनुचरा सेवक पुरंजन राजा पुरंजन की पुरम पुरी शहर को यदा जब हर तुम लूटना आरे भिरे प्रारंभ किया तत्र वहां प्रत्यसेधत रक्षा करने लगा प्रजागरह बड़े सर्प ने। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए जब राजा गंधर्वराज यानी चंडवेग तथा उसके सेवक पुरंजन की नगरी को
लूटने लगे तो पांच फनों वाले एक सर्प ने नगरी की रखवाली करनी शुरू कर दी। तो श्लोक को समझेंगे, इस श्लोक के शब्द बहुत सरल हैं। ते चंड वेग अनुचरा, तो वे चंड वेग के अनुचर क्या कर रहे हैं, हर तुम आरे भिरे यानी नगरी को लूटना शुरू करते हैं। चंड वेग के अनुचर, चंड वेग कौन है, गंधर्वराज और ये किसका मतलब प्रतीक है, किसका प्रतीक है, काल, जो काल है तो ये हर चीज को नष्ट करता है, काल हर चीज को नष्ट करता है। तो शरीर राजा पुनरंजन के शरीर पर जो है काल के जो अनुचर हैं उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो ये नगरी तो कोई राजा की नगरी होती है तो जो शत्रु होते हैं वो शत्रुओं के सैनिक जो है नगरी में आक्रमण करते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि काल जो है प्रत्येक जीव का शत्रु है, इस भौतिक जगत में काल का जो है प्रभाव है। तो काल जो है हर जीव का शत्रु है और जीव जो है जिस नगर में रहता है उसको ये काल क्या करता है, तोड़ता फोड़ता है। तो आपका जो शरीर है, आप ही पुनरंजन है, मैं भी, हम सब लोग जो है पुनरंजन है और हमारा जो नगर है नवद्वार, नवद्वारे पुरे देही, नवद्वार वाला जो नगर है ये शरीर है, तो इसमें आक्रमण शुरू हो गया है। और किस दिन से आक्रमण शुरू हो गया है, जिस दिन से ये बना था, जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से ही राजा पुनरंजन के नगर में चंड वेग के सैनिकों का आक्रमण शुरू हो गया है। तो ते चंड वेग अनुचरा पुरंजन पुरम यदा, पुरंजन के नगर में जब, यदा माने यद, यदा जब हर तुम आरे भिरे, तो सैनिकों ने जब नष्ट करना शुरू किया या लूटना शुरू किया, हर तुम का मतलब है लूटना, लूटना शुरू किया इस नगर को, तत्र तो उस समय वहां पर प्रत्यषेधत, प्रत्यषेधत माने विरोध करने लगा, कौन, प्रजा कर रहा, पांच फनों वाला एक अजगर है जो नगरी की रक्षा करता है तो विरोध करने लगा, है ना। तो पांच फनों वाला अजगर वो कौन है, प्राण, प्राण ही जो है, पंच प्राण बोलते हैं ना, तो पांच फण हैं। तो हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, प्राण अपान ब्यान उदान समान, ये पांच प्रकार के जो प्राण हैं तो उनको पंच प्राण कहते हैं। तो ये एक सर्प है, पांच फणों वाला सर्प है जो नगरी की रक्षा करता है। और राजा पुरंजन जो है अपने भोगों में लगे हैं, तो जीव जो है अपने भोगों में लगा हुआ है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, राजा को कुछ पता ही नहीं है कि शत्रु ने आक्रमण कर दिया है और शत्रु के कितने सैनिक हैं, उन्होंने आक्रमण किया, तो किसी को मतलब पता नहीं होता, अज्ञान में जितने जीव हैं अज्ञान में। ये तो हमें शास्त्रों को सुनकर के पता चलता है कि आप कौन हैं, आप राजा पुरंजन हैं और आपका जो नगर शरीर है इसमें आक्रमण चल रहा है। तो आजकल किसी समाचार पत्र में ये समाचार नहीं मिलता आप लोगों को, और आप बिल्कुल बेखबर रहते हैं और इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है आपके शरीर के साथ, किसी समाचार पत्र में नहीं आता, किसी मीडिया में नहीं आता ये समाचार, जो बहुत जरूरी है। तो ये समाचार हमें श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है ना। तो इसमें बताया गया है कि जो पांच फणों वाला सर्प है वो विरोध कर रहा है, रक्षा कर रहा है, तो जब रक्षा करेगा तो विरोध होगा ही, क्योंकि जो चंड वेग के अनुचर हैं वो शरीर का जो है सब लूटना चाहते हैं, शरीर यानी नगर को लूटना चाहते हैं, और जो सर्प है वो रक्षा कर रहा है तो लड़ाई होगी, युद्ध होगा ही, तो वो युद्ध कर रहा है ना। और राजा इतना बेखबर है, मतलब उसको कहते हैं राजा कितना मूर्ख है, बेखबर, कि अपने नगर में वो मस्त है, अपने खाने सोने में लगा हुआ है। तो हम ही ऐसे बेखबर राजा हैं जिसे संकट का कुछ पता ही नहीं है ना।
तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य सोता है तो विभिन्न स्वप्नों में प्राण सक्रिय रहता है। सर्प के पांच फण सूचित करते हैं कि पांच प्राण पांच प्रकार की वायुओं से घिरा है, प्राण अपान ब्यान उदान समान। तो पांच फणों वाला सर्प है अकेला रक्षा करने वाला। और सैनिक कितने हैं, अभी तक हमने सुना था कितने सैनिक हैं, राजा चंडवेग के जो सैनिक हैं वो कितने हैं, है 360 का डबल करना पड़ेगा, तो इसमें कितना परिश्रम लगेगा डबल करने में, 720 सैनिक हैं, है ना। राजा चंडवेग के 720 सैनिक हैं, ये गंधर्व सैनिक हैं, जिनमें से 360 गंधर्व हैं और 360 गंधर्विनियां हैं, उनकी पत्नियां हैं, है ना। और गंधर्विनियां जो है आधी काली हैं और आधी गोरी हैं, समझ गए हैं। तो शुक्ल पक्ष की जो रातें होती हैं वो उजली होती हैं, तो गोरी पत्नियां हैं गंधर्वों की। और कृष्ण पक्ष की जो रातें होती हैं वो काली होती हैं, तो गंधर्वों की जो है काली पत्नियां हैं। और गंधर्व सब गोरे हैं, दिन में तो पूरा उजाला होता है, तो गंधर्व सब गोरे हैं, लेकिन उन गंधर्वों में से 180 गंधर्वों की पत्नियां काली हैं और 180 गंधर्वों की पत्नियां गोरी हैं। और जब युद्ध होता है, आक्रमण होता है, तो ऐसे आक्रमण नहीं होता कि 720 इकट्ठे आक्रमण करें, ऐसे नहीं होता है, एक एक आक्रमण करता है। तो वर्ष का जो है पहला दिन शुरू होता है चैत्र कृष्ण पक्ष का पहला दिन प्रतिपद, है ना। तो वो पहला गंधर्व आता है, वो जो है नगरी को जो है लूटने की कोशिश करता है, और वो पांच फनों वाला सांप अकेला है जो कि युद्ध कर रहा है। तो दिन भर युद्ध चलता है, पहला गंधर्व। उसके बाद रात आती है, तो गंधर्विनी उसकी काली पत्नी है कृष्ण पक्ष की, है ना। तो काली पत्नी है, वो रात भर युद्ध करती है। और जो पांच प्राण है, पांच फणों वाला सर्प है, ये दिन रात जागता है, दिन रात जाग रहा है। तो एक बड़ा मतलब विरोधाभास यहाँ पर भी है कि राजा कितना बेखबर है कि दिन रात अपने खाने सोने में व्यस्त है, और जो पांच फणों वाला जो रक्षक है सर्प, वो दिन रात जाग रहा है, वो दिन रात जाग रहा है, वो बिल्कुल विश्राम नहीं करता। आप रात में भी सोते हैं तो पांच प्रकार के प्राण अपने काम करते हैं, भोजन पच रहा है, श्वास चल रही है, सब काम जो हो रहा है पांच प्राणों के द्वारा हो रहा है। तो पांच फणों वाला जो सर्प है वो दिन रात जागता है और रक्षा कर रहा है, युद्ध कर रहा है। एक अकेला सैनिक है नगरी का रक्षक, वो जो है युद्ध में लगा हुआ है, और राजा को कोई समाचार देने वाला है भी नहीं बीच में, कोई समाचार दे राजा को, और राजा को समाचार लेने की भी फुर्सत नहीं है क्योंकि वो अपने भोगों में व्यस्त है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, जब शरीर निष्क्रिय होता है तो प्राण सक्रिय रहता है। 50 वर्ष की आयु तक मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रियाशील रहता है, किंतु इसके बाद शक्ति घटने लगती है। यद्यपि अधिक बल लगाकर वो 2 या 3 वर्ष और अधिक से अधिक 55 वर्ष तक कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर पंच प्राण की बात बताई जा रही है कि जो पांच फनों वाला सर्प है, तो उसकी शक्ति अब 50 वर्ष की अवस्था में घटने लगती है। अगर 100 वर्ष की आयु है मनुष्य की, तो 50 साल में फिर उसको क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ लेना चाहिए, गृहस्थ जीवन छोड़ना चाहिए। लेकिन अब तो 100 साल की भी आयु नहीं रही, तो 100 साल की आयु नहीं रही, तो जितनी भी आयु इस समय की है उसके आधा, उसका आधा कर दीजिए आप, तो उस अवस्था में हमें अब अपनी गृहस्थ की जिम्मेदारियाँ घटा करके और आध्यात्मिक जिम्मेदारियाँ बढ़ानी चाहिए। जितना भी जीवन अवधि है, तो उसकी आधे अवस्था में हमारे जो प्राण, जो हमारा सर्प है जो कि रक्षा करने वाला है, उसकी शक्ति घट जाती है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं आगे, इसीलिए सरकारी नियमों में अवकाश प्राप्त करने की आयु 55 वर्ष ही है। 50 वर्ष के बाद शक्ति जिस प्रकार क्षीण होती है, उसे अलंकारिक रूप से यहाँ पर पांच फन वाले सर्प के रूप में दिखाया गया है ना। तो पांच फन वाला सर्प और 50 वर्ष की अवस्था तक जो है वो युद्ध कर पाता है, उसकी जो शक्ति है वो 50 वर्ष तक। तो जैसे पांच फन है और 50 वर्ष,
तो ऐसे मतलब विचार करें, एक एक फन से अगर वो युद्ध कर रहा है तो 10 साल में एक फन जो है शिथिल हो जाता है, फिर अगले 10 साल में दूसरा फन, इस तरह से 50 साल में 5 फल उसके क्या हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। और जब शिथिल हो जाते हैं उसकी लड़ने की शक्ति घट जाती है, तो जो गंधर्व है वो तो लगातार युद्ध कर ही रहे हैं, तो उनकी शक्ति जो है बढ़ जाती है, अब शरीर क्षीण होने लगता है, तो तोड़ फोड़ शुरू हो जाता है। 50 साल तक जो है उस सर्प ने शरीर को तोड़ फोड़ से बचाया और अपनी शक्ति से जो है वो रक्षा करता रहा। और 50 साल के बाद फिर अवस्था होती है तो क्या होता है, फिर शरीर का क्षय होने लगता है। तो शरीर के हरि बोल नींद आ रही, बहुत नींद आ रही है कि विश्राम नहीं किया, कक्षा के पहले विश्राम नहीं किया पर्याप्त, किस समय नींद आ रही है। तो मैं क्या बता रहा था, तोड़ फोड़, तो शरीर का तोड़ फोड़ शुरू हो जाता है। तो शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन। जन्म है, पहला परिवर्तन है जन्म, है ना, आत्मा में नहीं है, है? लेकिन शरीर में है, जन्म है। इसके बाद दूसरा, जन्म के बाद परिवर्तन क्या है, वृद्धि, बढ़ना शुरू होता है, आत्मा में वो भी नहीं है, जन्म में वृद्धि। फिर तीसरा है अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब कि वृद्धि रुक जाती है, एक बिंदु आता है कि शरीर बढ़ना रुक जाता है, तो वो भी आत्मा में नहीं है, क्योंकि आत्मा में अगर बढ़ना नहीं है, वृद्धि नहीं है, तो फिर अस्तित्व भी नहीं होगा। तो शरीर अगर ऐसे बढ़ता रहे तो कितना बड़ा हो जाएगा, एक बिंदु आता है कि शरीर अब बड़ा नहीं होगा, चाहे जितना खाओ पियो, फिर आपको बचेगा ही नहीं, फिर परेशान हो जाओगे, ज़्यादा खा नहीं सकते, क्योंकि शरीर की वृद्धि अब बंद हो गई है। तो ये प्रकृति ने पहले से सेटिंग कर दी है कि इतने समय तक आपका शरीर बड़ा होगा, उसके बाद फिर बड़ा नहीं होगा, और खाओगे पियोगे तो पचेगा नहीं, परेशान हो जाओगे, तो फिर भोजन कम कर दो, तो ज़्यादा अच्छा यही है कि भोजन कम कर दो। तो अस्तित्व तीसरा परिवर्तन है, शरीर का अस्तित्व, है ना। तो उसी को समझना चाहिए कि भाई 40 साल 50 साल तक जो है मतलब शरीर है जो कि बढ़ता रहा, अब अस्तित्व में आ गया, अस्तित्व। अस्तित्व के बाद फिर प्रजनन, फिर शरीर का जो है प्रजनन शुरू होता है, दूसरे शरीर पैदा होते हैं शरीर से, तो ये भी आत्मा में नहीं है प्रजनन भी, कि एक आत्मा से दूसरी आत्मा पैदा नहीं होती, प्रजनन। फिर छठवां पांचवां क्षय, शरीर में क्षय शुरू हो जाता है, अभी तक बड़ा हुआ फिर रुक गया, बड़ा होना रुक गया, मतलब उसी अवस्था में रहा, और उसके बाद फिर क्षय हो गया। तो क्षय होना का मतलब है अब घटने लगा, अब शरीर क्षीण होना शुरू हो गया, आत्मा में वो परिवर्तन नहीं है, क्षय नहीं है। और अंत में छठवां परिवर्तन क्या है, विनाश। तो शरीर का जो है विनाश हो जाता है, और आत्मा में ये परिवर्तन नहीं है। तो आत्मा में ये 6 के 6 परिवर्तन नहीं है, लेकिन शरीर में है। तो उसी को ही बताने के लिए राजा पुरंजन की जो बात बताई गई है, वो भोगों में लगा हुआ है, लेकिन उसके उसमें ये सब चीजें नहीं है कि उसके ऊपर कोई आघात हो रहा हो। राजा पुरंजन चूंकि जीवात्मा है, अविनाशी है जीव, है ना, अज्ञान से बंधा हुआ है, लेकिन उसमें ये जो है उसके ऊपर आक्रमण नहीं हो रहा है, उसका उसके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी भोगों की जो नगरी है, जिसको वो भोग रहा है, उस नगरी का जो है तोड़फोड़ हो रहा है, तो इसके लिए बड़े कष्ट की बात है, ये उसके लिए कष्ट की बात है। तो जब राजा पुरंजन यानी हम जीवात्माएं हैं, जब इस शरीर को जो है अपने भोग का साधन बनाते हैं, और हम सोचते हैं कि मैं इस नगरी का राजा हूं और इंद्रियों को मैं भोगूं इस शरीर में, तो फिर 50 साल के बाद जब शरीर क्षीण होने लगता है और कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त होता है, तब राजा पुरंजन शोक करते हैं, तब हमें शोक होने लगता है कि क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। और ये 720 जो गंधर्व और गंधर्विनिया ये सैनिक हैं, ये 100 साल के बाद इस शरीर को नष्ट कर देते हैं, है ना, तो नगरी को नष्ट कर देते हैं, नगर को नष्ट कर देते हैं, है ना।
और जो पांच प्राण वाला जो सर्प है, पांच फनों वाला जो सर्प है, है? तो उसमें आग लगा देते हैं, शरीर में आग लगा देते हैं, तो वो सर्प निकल के भागने लगता है। तो वही है कि जो है शरीर में जो है जब तापमान बढ़ जाता है तो सर्प निकलना चाहता है। नगरी में जो है अगर आग लग गई है तो सांप जो है बाहर निकलेगा, क्योंकि आग, सांप जो है आग से बहुत घबराता है। तो 100 साल तक वो सांप जो है लड़ता रहा, किसी प्रकार से छीण भी हो गया, उसकी शक्ति घट गई, तो भी लड़ता रहा, और नगर को जो है तोड़फोड़ होती रही, है ना। ये अंत में जब नगर में आग लग गई, शत्रु ने आग लगा दी, प्रज्वार नाम का सैनिक है, उसने आग लगा दी, है? तो प्रज्वार का मतलब है बुखार, तो उसने आग लगा दी नगरी में, तो शरीर का तापमान बढ़ गया, तो वो जो पांच फणों वाला सर्प है वो बाहर निकलने लगा, वो अब भागना चाहता है किसी प्रकार से। और राजा पुरंजन को जो है फिर कैद करते हैं, शत्रु के सैनिक कैद करते हैं, तो राजा पुरंजन का कुछ विनाश नहीं होता है, राजा पुरंजन का कोई विनाश नहीं होता है, राजा की मृत्यु नहीं होती है, राजा को कोई रोग नहीं लगते हैं। जो रोग लगते हैं वो शरीर को लगते हैं, और ये गंधर्वों, गंधर्व सैनिकों के द्वारा ये तोड़फोड़ होती है, गंधर्व सैनिकों के द्वारा तोड़फोड़ होती है, द्वार तोड़े जाते हैं, जैसे नेत्रों का द्वार, नेत्र द्वार है ना, तो उसको तोड़फोड़ देते हैं, तो आंखों से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, तो तोड़फोड़ हो रही है। तो ये जो समाचार है ये हमें मिलता नहीं है, हम सोचते क्यों हो रहा है, ये क्या हो गया, चलो चश्मा लगा देते हैं, अभी आंखों का ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन हम ये देख नहीं पाते हैं कि ये पहले से सब सुनियोजित ढंग से हमारे शरीर के ऊपर जो है आक्रमण हो रहा है, हमारे नगर पर आक्रमण हो रहा है, आक्रमण किया जा रहा है। तो जो प्रबुद्ध आत्माएं हैं, जो कि जिन्हें सात साधु आचार्यों की कृपा से जिन्हें प्रबोध हुआ है, तो वो जो है पहले से ही छोड़ने की तैयारी करते हैं, है ना। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है इसीलिए बनाया गया है, ये सूचना देने के लिए कि शरीर से आपको निकाला जाएगा और शरीर में आग लगाई जाएगी और आपको जो है बांधा जाएगा और यमदूत आपको लेके जाएंगे, निकालेंगे शरीर से, उससे पहले ही आप छोड़ने की तैयारी करो और अपना ऐसा जो है हथियार अपने साथ में रखो कि आपका कोई नुकसान ना हो। तो हरे कृष्णा आप करते रहो, ये आपका हथियार है, तो ये हरे कृष्ण का हथियार है, ये लेकर के आप निकलोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आप जो है सुरक्षित रूप से भगवान के धाम जाओ। तो ये जो है मतलब एक जो बहुत बड़ी सूचना है, जो कि आज की शिक्षा में नहीं दी जा रही, आज की शिक्षा में कुछ भी सूचना नहीं दी, आज की शिक्षा में ये सूचना दी जा रही है कि आप जो है इस शरीर के राजा हैं, महाराज पुरंजन आप ही हैं, और आपको जो है जब तक शरीर है तब तक आपको खूब भोगना है, खाना सोना सुरक्षा और भोग ये सब आपको करना है अच्छी प्रकार से, और बाकी जो है जब शरीर नष्ट होगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट होगा, लेकिन कुछ भी नष्ट नहीं होगा, शरीर नष्ट होगा लेकिन आप का कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन आप का जो है बहुत जो है ज्ञान नष्ट हो चुका है, ज्ञान इतना नष्ट हो चुका है कि आप जो है अपने को विनष्ट हुआ मानते हैं कि मैं ही नष्ट हो जाऊंगा, अगर शरीर नष्ट होगा तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, तो चूंकि ज्ञान नष्ट हुआ है तो ज्ञान ही जो है दिया जा रहा है, ज्ञान ही ज्ञान है न सदृशम पवित्रम यह वेदते, ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य के शरीर में ही ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है और दूसरे शरीर में नहीं मिलता, बाकी शरीर में क्या भी क्या पवित्र है, कुछ भी पवित्र नहीं है, शरीर में जितना भी तत्व है वो सब अशुद्ध है, मल मूत्र खून हड्डी मांस सब कुछ अपवित्र है, ज्ञान ही केवल पवित्र है। ज्ञान, अगर आप ज्ञान हासिल करते हैं
तो जो है रक्षा होती है। इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है इस प्रकार से हुआ है, गंधर्वराज चंड वेग के अनुचरों ने जब आ घेरा पुरंजन के उस नगर को, जब लूटना उन्होंने शुरू किया, पंचफणधारी सर्प तक तब रोकने उनको खड़ा हुआ, उस महाप्रजागर ने गंधर्व सेना का विरोध किया। तो एक बहुत आश्चर्य की घटना है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज तो मेरा प्रवचन नहीं होना था और अचानक मुझे समाचार मिला कि मुझे प्रवचन देना है, तो ये बहुत आश्चर्य की घटना है। अब ये मैं आपको बताऊं कैसे, इसमें शब्द है प्रजागर। तो प्रजागर का जो है अर्थ यहाँ पर तो गए महासर्प, महा अजगर, प्रजागर का ये अर्थ है यहाँ पर, लेकिन प्रजागर के दूसरे भी अर्थ हैं, रात को जागते रहने वाला प्रजागर है, चौकसी करने वाला है ना। तो ये जो है एक शब्द ऐसा है जिसके और भी अर्थ निकलते हैं। तो 17 तारीख की जो घटना हुई मेरे साथ में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत आश्चर्य की घटना है। और चूंकि रात भर हम जागे उस दिन और फिर मंगल आरती में कैसे आए, तो ये घटना एक आप लोगों के लिए बहुत हर्षित और विस्मित करने वाली घटना है। इसमें ये नहीं मानना कि मैं अपना गुण बता रहा हूँ, ये नहीं मानना। जो भक्त होते हैं बोधयंता परस्परम, ये कृष्ण की महिमा है, जो एक दूसरे को बताते हैं सुनते हैं और तुष्यंते चा रमन्ति चा। तो अगर आपके अंदर भक्ति है, सच्ची भक्ति है, तो आप प्रसन्न होंगे, हर्षित होंगे और आप किसी दूसरी भावना आप नहीं लाएंगे अपने मन में, कुछ उल्टी भावना नहीं लाएंगे। तो 17 तारीख की घटना है। तो मेरा जो जन्म स्थान महोबा है, तो वहां पर मैं गया था। तो उस दिन 12 घटनाएं हुई थी जो लिखी गई हैं डायरी में, तो उनमें से 3 घटनाएं मैं सुनाऊंगा, 9वीं, 10वीं और 11वीं। तो 10वीं घटना है कि मेरे नियम की रक्षा हुई। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई, मैं जिस समय मैं महोबा में प्रवचन देकर गाड़ी में बैठकर लखनऊ एयरपोर्ट की ओर चला कि मैं वहां से दिल्ली की उड़ान पकड़ूंगा, उस समय कुछ बाधाओं के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने में विलंबित हो गया और अब मुझे ना तो ये उड़ान मिल सकी और ना ही कोई अन्य उड़ान संभव थी। ये एक अत्यंत संकट की स्थिति थी कि मेरा ईश्वर कैलाश वाले मंदिर में मंगल आरती में उपस्थित होने का नियम टूट जाएगा। उस समय नोएडा में स्थित धनंजय कृष्ण प्रभु अत्यंत चिंतित हो उठे। उस समय रेलगाड़ी की यात्रा करते हुए अमृत केशव प्रभु निरंतर अपनी माला पर जाप करने लगे कि मेरी ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में होने वाली मंगल आरती में उपस्थित होने के नियम की रक्षा हो सके। इस प्रकार अनेक स्थानों में अनेक संगी मेरे नियम की रक्षा के लिए चिंतित होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। श्रीमान निरंजन भी रात्रि में सो नहीं सके, एक हमारे मित्र हैं कुल पहाड़ में रहते हैं, तो वो रात में सो नहीं सके। उस समय रात के 11 बजने वाले थे और अब क्या उपाय हो सकता था कि मैं ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में प्रातः 4:15 तक पहुंच सकूं, ताकि मैं ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में प्रातः 4:30 पर प्रारंभ होने वाली मंगल आरती में प्रातः 4:30 से भी पहले उपस्थित हो सकूं। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि धनंजय कृष्ण प्रभु को श्रीमान पंकज तिवारी नाम के एक ऐसे टैक्सी वाले का संपर्क प्राप्त हुआ जिसने ये बात निश्चित की कि वे प्रभु मुझे अपने गाड़ी में ले जाकर ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में प्रातः 4:15 तक पहुंचा देंगे। उस समय श्रीमान पंकज तिवारी ने अत्यंत तेज रफ्तार से गाड़ी को चलाकर ठीक 4:15 पर मुझे ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में पहुंचा दिया। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि मेरी अत्यंत निराश स्थिति में भी मेरे ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में होने वाली मंगल आरती में उपस्थित होने के नियम की रक्षा हुई। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए मेरे ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में होने वाली मंगल आरती में उपस्थित होने के नियम की रक्षा होने के ऐसे अद्भुत योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरिओम। अब दूसरी घटना है कि मेरी माया के साथ युद्ध में विजय हुई। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई, ये बात पहले बताई गई थी कि मैं उसी प्रकार मंगल आरती करके महोबा क्षेत्र की यात्रा पर निकला जिस प्रकार पांडवगण मंगल कृत्य करके युद्ध क्षेत्र की यात्रा पर निकले थे। ये समझने की बात है कि चूंकि मैं माया के विरुद्ध प्रचार करता हूँ, अतः ये माया के विरुद्ध युद्ध है,
इस युद्ध में माया ने भी प्रयास किया कि मेरी इष्ट कैलाश वाले मंदिर में होने वाली मंगल आरती के कार्यक्रम में उपस्थित होने का नियम टूट जाए। तो माया भी बदला ले रही है, तो माया के विरुद्ध में प्रचार कर रहा हूं, तो माया भी चाहती है कि मेरा नियम टूट जाए। ये माया के द्वारा उत्पन्न किया गया बहुत बड़ा संकट था, परंतु श्री कृष्ण ने मेरी इस प्रकार रक्षा की कि मैं माया के विरुद्ध युद्ध में विजयी हुआ, अर्थात मेरे नियम की रक्षा हुई। ये समझने की बात है कि लखनऊ से दिल्ली की दूरी 600 किलोमीटर है और मेरे पास केवल 5 घंटे थे। ऐसी स्थिति में किस प्रकार मैं ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में आ सकता था? श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए माया के विरुद्ध मेरे नियम, मेरे विजय की प्राप्ति के ऐसे अद्भुत योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब एक घटना और है। महोबा जो मेरा जन्म स्थान है, इसका असली नाम है मायावतीपुरी। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। ये समझने की बात है कि महोबा का असली नाम मायावतीपुरी है तथा इस पुरी का निर्माण श्री कृष्ण की माया के द्वारा हुआ था। ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है विस्तार से। इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि मैं माया के ही क्षेत्र में माया के विरुद्ध युद्ध करने के लिए गया था। इसके अतिरिक्त एक अन्य आश्चर्य की घटना यह भी हुई कि जिन श्रीमान पंकज तिवारी ने मुझे ठीक समय पर ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में पहुंचाया, उनकी कंपनी का नाम था सारथी ट्रेवल्स। सारथी ट्रेवल्स, सारथी शब्द से यही भाव निकलता है कि इस युद्ध भूमि में मेरी सहायता करने के लिए श्री कृष्ण ने किसी विशेष रथ और सारथी को भेजा था। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि माया के विरुद्ध युद्ध के समय मुझे संकट से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने धनंजय कृष्ण प्रभु के माध्यम से एक ऐसा रथ तथा सारथी भिजवाया जो मुझे संकट से निकालेगा। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए माया के क्षेत्र मायावतीपुरी तथा सारथी ट्रेवल्स के ऐसे अद्भुत योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक घटना बताऊंगा, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन आज के श्लोक में जो शब्द निकला और मुझे कैसे ये प्रवचन देने का अवसर मिला, ये सब जो है कृष्ण की ही सब योजना है। कृष्ण चाहते हैं कि आप लोगों को ये सूचना मिले। हाँ मोहन बाबू, माइक माइक दीजिए, माइक माइक कहाँ है, माइक चालू किया। मैं कह रहा था कि आपने चंड वेग के ऊपर विजय पा लिया, मतलब इतनी जल्दी आ गए आप, तो समय के ऊपर आपने विजय पा लिया चंड वेग के ऊपर। हाँ ये भी उस समय के लिए, केवल उस समय, उतने समय के लिए। हाँ जी प्रद्युम्न प्रिया को कुछ बोलना। आज ये भी था कि मैं पूरी रात भर आज जागा रहा, मेरे लिए असंभव बात थी, पर मैं पूरी रात एक मिनट भी नहीं सोया। इससे भी प्रत्याजगर मतलब चौकसी करने वाला या ना सोने वाला, उस दिन कई लोग नहीं सोए थे, कई लोग नहीं सोए थे 17 तारीख की रात में कई लोग नहीं सोए थे। ऐसा योग बना कि रात को मैं बिल्कुल नहीं सोया। हरि बोल। हरे कृष्ण। और कोई कल्प वृक्ष है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पूरे बस में हूँ। मैंने कहा इन्होंने भी चंड वेग के ऊपर विजय पाली रात को ना सो करके। भगवान ये शक्ति से मेरी रक्षा में रहते हैं ना, ये मेरी रक्षा में रहते हैं, तो जैसे 5 फनों वाला सर्प जो है राजा पुरंजन की नगरी की रक्षा करता है, ये मेरे शरीर की रक्षा में रहते हैं। ये मेरे देखते देखते तो पूरा शरीर ही छीन हो रहा है। कल्प वृक्ष प्रभु। अच्छा महाराज है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑन बिहाफ बहुत आपको, ऑन बिहाफ ऑफ द टेंपल डिवोटीज वी लाइक टू वेलकम हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज। हरि बोल। हाँ जी हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे आपने बहुत ही प्रेरणादायक और जो है ईश्वरीय कृपा से उत्प्रोत अपना यह यात्रा का विवरण दिया कि आप 6 घंटे में 11 बजे रात को निकले, 4 बजे सुबह, नहीं 5 घंटे में कम से कम 500 किलोमीटर रेल रूट से है आप बाय रोड आए और नॉन स्टॉप 600 किलोमीटर। हाँ 600 किलोमीटर तो और ज्यादा हुआ, मतलब यह तो वर्ल्ड गिनेज वर्ल्ड कृष्णा बुक का एक रिकॉर्ड आपने मेंटेन कर दिया इस तरह की। मतलब इस पर तो एक विशेष शोध का है कि उस व्यक्ति ने कैसे चलाया, भगवान स्वतः तो नहीं उनके अंदर प्रवेश कर गए, और
वहाँ उत्तर प्रदेश में सड़कों का जो हाल है वह जो है किसी बाल्टी के गड्ढे से कम नहीं है, उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, इतनी वीआईपी सड़कें भी नहीं है। मतलब नहीं, फिर हमें पता चला कि एक नया रोड बना है, वो एक्सप्रेस वे बना है। अच्छा। हाँ, तो उससे हम आए तो ये भी फिर सूचना हमको मिल गई कि एक ऐसा रोड बना। अब आगे से हम जाएंगे तो लखनऊ से होके जाने की जरूरत नहीं है, सीधे हम महोबा जा सकते हैं, अपनी कार से जा सकते हैं। तो इस घटना से यह हमें महसूस होता है और एक हमारे जिज्ञासा है टिप्पणी के साथ, जैसा कि आपने अभी अपने उद्बोधन में व्यक्त किया कि इस शरीर ही यह राजा पुरंजन हम सभी का है और सदैव आक्रमण चल रहा है, तो सांसारिक बाधाओं या सांसारिक भय के वजह से लोग हथियार ले लेते हैं, जैसे एक शब्द आपने हथियार रिवॉल्वर, उसका पेमेंट देते हैं, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या अथॉरिटी जेन्युइन समझेगी तभी उस आदमी को हथियार रिलीज होगा, नहीं तो उसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे का दिव्य हथियार दिया है और इसका वितरण पिछले 50 सालों में इस्कान के द्वारा कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन कई लोग इस जो है निःशुल्क हथियार को लेने में क्यों पीछे हटते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर कृपया स्पष्टीकरण। इसमें एक बात मुझे याद आती है कि स्पेशल पास जो है हमें प्रभुपाद के द्वारा मिला हुआ है। प्रभुपाद के आंदोलन में जो शामिल होते हैं, तो प्रभुपाद के आंदोलन में जो भक्त हैं तो उनके लिए स्पेशल पास मिला हुआ है। तो 65% समर्पण में ही आप जो है आप निकल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो प्रभुपाद ने मतलब कंसेशन दिया है कि वैसे 100% से ही जो है आप भगवान के धाम जा सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन में प्रभुपाद के आंदोलन में 65% भी अगर आपका समर्पण हो गया तो आप निकल जाएंगे। स्पेशल पास जो है प्रभुपाद के द्वारा मिला हुआ है। रिवॉर्ड। आपका प्रश्न क्या है? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा दिया। और आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है, कात्यायनी रूप है शायद, तो माता कात्यायनी का व्रत गोपियों ने किया था कृष्ण की भक्ति और उनको पति रूप में पाने के लिए, और आपने हम सबको कृष्ण की साक्षात्कार की अनुभूति श्री प्रभुपाद जी के सानिध्य में करा दिया आज माता के नवरात्र के मंगलवार के दिन। और जैसा आपने उद्बोधन में बताया कि नए वर्ष का प्रारंभ जो अपना विक्रमी संवत है, जो भारत में सनातन धर्म में विशेष रूप से प्रचलित है, बासंतिक नवरात्र के शुक्ल पक्ष को होता है, यह शारदीय नवरात्र है। तो आपका उद्बोधन हमें 12 वर्ष के बाद शारदीय नवरात्र में सुनने का अवसर आज प्राप्त हुआ 2004 के बाद, तो अभी कृष्ण की विशेष कृपा है। और सुबह हम आपसे पूछने वाले भी थे कि आपकी क्लास कब होगी, तो ऐसी श्री श्री राधा पार्षार्थी श्री श्री जो है सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी श्री श्री गौर निताय की व्यवस्था हुई कि श्रृंगार दर्शन में आपका क्लास का नाम सुनते ही हमारी आत्मा हर्षित हो गई। हरि बोल। तो हम बहुत बहुत हृदय से शुभकामना भी व्यक्त करते हैं और भगवान राधा पार्षार्थी से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है 1000 वर्ष तक ऐसे विराजमान रहें साथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। और आपके ग्रंथ तो हैं लाखों वर्ष तक अनंत काल तक विराजमान रहेंगे पूरे धराधाम पर। हरे कृष्णा, धन्यवाद श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर 1000 वर्ष आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं आपके लिए 1000 वर्ष प्रार्थना करता हूं कि आप सुनते रहें 1000 वर्षों तक। हरि बोल। और कोई प्रश्न किसी का है या चर्चा? हाँ, हरि गृह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि पुरंजन ये भोग नहीं करता है पुरी को, तो पुरी को कौन भोग करता है? इंद्रिय भोग कर रहा है कि मन न काल? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा पुरंजन ही भोग में लगा हुआ है, पुरंजन ही भोगों में लगा हुआ है। लेकिन जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो जो शास्त्र साधु आचार्यों के द्वारा जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तब हम सोचते हैं कि ये हमारे भोगने का स्थान नहीं है, ये तो संकट का स्थान है, हमें कैसे निकलना है। तो शरीर एक बंधन है जो हमें प्राप्त हुआ है और एक संकट का स्थान है जहाँ की मैं घिरा हुआ हूँ, संकटों से घिरा हुआ हूँ। तो मैं भोगने की कोशिश ना करूँ बल्कि बाहर निकलने की कोशिश करूँ, कैसे मैं बाहर निकलूँ। तो हमें तैयारी करना है निकलने की, भोगने की तैयारी नहीं। और जब भोगे
भोगों में लगा है पुरंजन, तो नगरी तोड़ी जाएगी और उसको बांधा जाएगा और फिर उसको नरक में जाना होगा, है ना। तो यही अज्ञान है, जब आज की शिक्षा दे रही है हमको ज्ञान, ये ज्ञान जो है आज की शिक्षा दे रही है कि हम राजा पुरंजन है और हम जो है इस नगर के स्वामी हैं और हमें जो है अपनी इंद्रियों को भोगना है, और जब तक शरीर है तब तक भोगो, जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो आप भी नष्ट हो जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं। यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो जब तक जीवित है तब तक सुख से जियो और ऋण लेकर के घी पियो। भस्मीभूत से देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत, जब शरीर भस्म हो जाता है तो फिर दोबारा जन्म कहाँ से होगा। तो ये उनका जो है तर्क है कि शरीर जब जल जाएगा, जल के राख हो जाएगा, तो पुनरागमन कहाँ से होगा। तो जब तक जियो तब तक आप जो है घी पियो, ऋण लेकर के घी पियो। तो ये जो है अज्ञान है, लेकिन हम जो है राजा बनने की कोशिश ना करें, बल्कि हम देखें कि हम कितने बड़े संकट में फंसे हुए हैं और कृष्ण से प्रार्थना करें कि मुझे निकालो यहाँ से। तो जेल के अंदर भी जो कैदी होते हैं तो कई बार वो जेल को ही अपना घर समझते हैं और जेल में ही अपने जो है सुख सुविधाओं की चिंता करते हैं कि मुझे कैसे सुख सुविधाएं मिलें, और अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है? या जेलर के साथ अपना संपर्क बनाते हैं, है? तो इसी प्रकार से बहुत से जीव हैं जो इस भौतिक जगत में भोगने की कोशिश करते हैं, और जेलर का मतलब माया देवी, तो माया की पूजा करते हैं, जैसे नवरात्रि तो दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो जेलर है, तो जेलर को खुश करके आप जेल के अंदर कुछ सुविधाएं आप पालेंगे, लेकिन जेल से बाहर तो नहीं निकलेंगे। तो जो नवरात्रि करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, तो जेलर से आप अच्छा संबंध बनाते हैं, तो जेलर से अच्छा संबंध बनाने के बाद भी आप जेल से बाहर नहीं निकल सकते। दुर्गा देवी जो है जेलर हैं, लेकिन अगर आप राजा से संपर्क बनाए, असली राजा कृष्ण है, तो हम राजा नहीं है। तो जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हम राजा नहीं है, राजा कृष्ण है, और उनके आदेश का उल्लंघन करने से हम इस जेल के अंदर आए हैं, तो हम जो है फिर कृष्ण को प्रसन्न करते हैं और कृष्ण के इशारे से जेलर हमको निकाल देता है बाहर, तो दुर्गा देवी हमको तुरंत बाहर निकाल देंगे। तो दुर्गा देवी प्रसन्न हो जाती हैं अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, और दुर्गा को प्रसन्न करते हैं तो दुर्गा प्रसन्न नहीं होती हैं, लेकिन वो केवल प्रसन्नता दिखावा करती हैं, प्रसन्नता का कि आपको कुछ सुख सुविधाएं जेल के अंदर देंगे, लेकिन वास्तव में दुर्गा देवी चाहती हैं कि आप कृष्ण को प्रसन्न करें। और दुर्गा देवी ने भी मंत्र दिया, दुर्गा देवी ने भी ये मंत्र दिया, किसी ने अगर दुर्गा देवी से प्रार्थना की कि आप मुझे सही विधि बताइए कि कैसे मैं छूट सकता हूँ बंधन से, तो दुर्गा देवी ने भी मंत्र दिया, एतन मंत्रम सुत श्रेष्ठ प्रथमम श्रुणयान न रहा दीक्षाम करियो, तो दुर्गा देवी ने मंत्र दिया ये हरे कृष्ण मंत्र। तो ये भी जो है मतलब शास्त्रों में बताया गया है। जी, तो प्रभु जी, आत्मा जब भोग करता है ये नगरी को, तो उसमें पांच इंद्रिया फिर मन भी है, श्रोत्रंग चक्षु स्पर्शनंग रसनंग घ्राण एवं अधिष्ठायंग मनस्यायं विषयान उपसेवते, परंतु फिर एनालॉजी दिया जाता है कि जैसे हवा गंध को लेके जाता है, तो आत्मा सिर्फ गंध को लेके जाता है, उसमें देना लेना देना कुछ है ही नहीं, उसकी कष्ट क्या। तो फिर किस प्रकार समझे कि ये भोग कर रहा है तो आत्मा को कष्ट नहीं मिल रहा है। नहीं, आत्मा ही कष्ट भोग रहा है, आत्मा ही कष्ट भोग रहा है और अपनी पहचान शरीर के साथ कर रहा है। तो आत्मा अपनी पहचान शरीर के साथ करता है, जैसे कि राजा है तो वो अपनी पहचान नगर के साथ कर रहा है, और नगर जब टूट फूटता है और उसमें रोग आते हैं शरीर में, तो राजा पुनर्जन को तकलीफ होती है, तो तकलीफ का अनुभव क्यों करता है, क्योंकि अपनी पहचान वो शरीर के साथ कर रहा है। तो राजा पुरंदर है तो वो अपनी पहचान शरीर के साथ कर रहे हैं या नगर के साथ कर रहे हैं। और जहाँ तक वायु की बात है कि जैसे हवा ले जाती है गंध को, उसी प्रकार से जीव जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं वायुर्गंधानिवासियात् शरीरम यद वाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानिवासियात्। तो शरीर जिस शरीर को ये प्राप्त करता है और जिस शरीर को छोड़ता है ना, तो उस शरीर से जिसको शरीर को जिस शरीर को छोड़ा है उसको उससे जो है अपनी इंद्रियों को ये समेट लेता है और दूसरे शरीर में अपनी इंद्रियों को स्थापित करता है। जैसे हवा गंध को ले जाती है, जैसे हवा गंध को निकाल ले जाती है, उसी प्रकार से जीवात्मा अपने पांचों इंद्रियों को
शरीर से निकाल ले जाता है। तो हवा जो है जैसे गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाती है, उसी प्रकार से जीवात्मा हवा की तरह है और जो पांच इंद्रियां हैं उसकी गंध की तरह है। गंध शरीर में जो स्थित इंद्रियां हैं तो उनको जो है निकाल करके दूसरे शरीर में ले जाता है। तो ये तो दूसरी तुलना है, ये दूसरी तुलना है, यहाँ पर वो तुलना यहाँ लागू नहीं हो रही है। जब शरीर को नगर बताया गया है तो एक दूसरे प्रकार की स्थिति समझाई गई है कि जीवात्मा जो है राजा अपने को राजा समझ रहा है और इस नगर को देख रहा है कि ये मेरे भोग के लिए है। तो ये मनुष्य शरीर जब मिलता है तो इसमें जो है पूर्णता है, सब प्रकार की पूर्णता है, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो बताया गया है कि वो पूरी पृथ्वी में राजा पुरंजन अपने रहने के लिए स्थान खोजता रहा और जब भारतवर्ष में जब वो आया तो उसको एक नगर मिला जिसको कि उसने पसंद किया। तो इसका मतलब क्या है कि 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता रहा और कोई भी स्थान उसको, कोई भी नगर उसको पसंद नहीं आया कि हर नगर में कुछ ना कुछ कमी है, बनावट में जो है कमी है। तो 84 लाख योनियों में से जितने भी शरीर हैं उनकी बनावट में कुछ ना कुछ कमी है। जैसे वृक्ष हैं तो उनके पैर ही नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, पैर जमीन में गड़े हैं, चल फिर नहीं सकते। पशु पक्षियों के शरीर हैं, उनके हाथ हैं कैसे हैं, वो पैर की तरह काम कर रहे हैं, हाथ नहीं है। तो इस प्रकार से पूर्णता किसी भी नगर में राजा को नहीं मिली, लेकिन जब वो भारतवर्ष के एक स्थान में आया जहाँ उसने नगर देखा, नौ द्वार वाला नगर है, तो उसको जो है ये नगर पसंद आया कि ये मेरे रहने के लिए बहुत बढ़िया है, ये भोगने के लिए बहुत बढ़िया नगर है। तो मनुष्य शरीर को जो है ये जीवात्मा पसंद करता है कि यहाँ जो है बड़ी सुंदरता है और बड़े भोग की सुविधाएं हैं। तो मनुष्य के शरीर में है भोगों की सुविधाएं, लेकिन इसी शरीर में हमें बहुत बड़ा अवसर भी है निकलने का। तो अब आप जो है इस मनुष्य शरीर में आप भोगों का जो है लाभ उठाते हैं, सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, या फिर आप निकलने का अवसर इसका लाभ उठाते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन से अवसर का लाभ उठाते हैं। तो थोड़े समय के लिए मिला है, अगर आप भोगों में लग गए, मनुष्य शरीर को भोगों में लग गए, अवसर निकल गया, फिर आपको अवसर नहीं मिलेगा, फिर आप 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ जाएंगे और कितने कितने जन्मों के बाद आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा। तो ये थोड़ा सा अवसर है, थोड़े समय का अवसर है, और इसी अवसर में अगर आप भोगों में लग गए, क्योंकि बड़े आकर्षण है, भोगों का बड़ा आकर्षण है, तो निकल जाता है अवसर, निकल जाता है। तो अवसर बहुत थोड़ा है, इसलिए शास्त्र साधु आचार्य कहते हैं प्रजागर। प्रजागर का मतलब है कि चौकसी करो। यहाँ प्रजागर शब्द का मतलब यह है कि आप प्रजागर बनिए, आप चौकसी करिए। इस ये शरीर जो है जो आपको मिला है एक घर या नगर की तरह, तो इस पर जो है आक्रमण हो रहा है, लगातार आक्रमण हो रहा है, और आप इस आक्रमण से बच नहीं सकते। आप निकलने की तैयारी करिए, आप निकलने की तैयारी करिए, है ना। और निकलने की तैयारी करने का मतलब क्या है, रोज मंगल आरती है, क्लास है, जप करना है, भक्तों का संग करना है, श्रवण कीर्तन है, ये सब जो है तैयारी है, इसमें आप लगिए। अगर भोगों में लग गए तो जो है अवसर निकल जाएगा, फिर आपको अवसर मिलेगा नहीं मनुष्य शरीर का, है ना। कुछ कहना, हरे कृष्णा। इस जो आपने सुनाया मंगल आरती के बारे में, तो मुझे भी याद आया जब हम मॉस्को गए थे, तो जिस दिन हम गए 17 तारीख को, तो 18 तारीख को गुरु महाराज का व्यास पूजा था वहाँ पे। अच्छा, अगस्त का, अगस्त था, अगस्त का महीना, अगस्त में, ये सितंबर है, हाँ जी, अगस्त में, अगस्त में 18 अगस्त को जो व्यास पूजा था गुरु महाराज का, हिजुलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, हम सब लोग गए थे मॉस्को। तो 17 को हम गए थे, तो बहुत यहाँ से भी बाय एयर गए और बहुत थके हुए थे, और वहाँ पे भी हम 4 बजे के करीब पहुँचे, 3-4 बजे, बड़ा परेशान होके। और फिर उन्होंने ही कहा, वहाँ पे साधु प्रिया प्रभु ने कहा कि कल आप मंगल आरती नहीं आना, गुरु महाराज भी नहीं आएंगे मंगल आरती, तो आप आराम से ही आना, क्योंकि जो मंदिर था वहाँ पे तो व्यवस्था नहीं है रहने की, तो मंदिर से दूर होटल था, लगभग 2 किलोमीटर दूर होटल था, तो वहाँ पे व्यवस्था की थी सबके रहने की। तो मैं और मेरे वाइफ दोनों गए थे, उर्मिला, तो ये रात को मुझे कहती है कि मैं तो जाऊँगी सुबह मंगल आरती जाऊँगी। हरी बोल। तो मैंने कहा कि वो वहाँ पे उन्होंने मना किया है कि आपको मंगल आरती आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होगा। कहती नहीं मैं तो जाऊँगी।
मैंने कहा तुमने जाना है जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो ये इसको पता नहीं क्या इसको भूत सवार हो गया कि मैंने जाना है। तो ये उठ गई, ये उठ के तैयार हो गई और तैयार होके निकल गई। अब आप ये देखो इसके पास एक नया मतलब वहां तो रूबल चलता है, एक रूबल भी नहीं है इसके पास, एक रूबल नहीं है। इसको पता नहीं है मंदिर कहाँ है, इसको नहीं पता मंदिर कहाँ है, कोई व्हीकल नहीं है जाने का, इसको पता भी नहीं है कि मंदिर कहाँ है, कि पैदल चली जाए वहां पे कहीं चली जाए, लेकिन जाना है। तो जा रही है तो लिफ्ट लिफ्ट खराब है, मेरे को आगे कहती है इनको कहो लिफ्ट खराब है। तो लिफ्ट तो खराब की खराब ही थी, दूसरे रास्ते से स्टेयर से गई चली गई। और अब इसने क्योंकि मुझे भी जगा दिया था जाने से पहले, तो मैंने कहा मैं भी क्या करूंगा, मैं भी नहा धो लेता हूं। और इसने ये पहुंच गई वहां पे, इसने मुझे मैसेज भी किया, मैंने तो पढ़ा नहीं खैर, तो इसने मुझे बाद में बताया कैसे पहुंचेंगे। और मैं भी देखो मैं भी तैयार हो गया, और तैयार होकर मैंने घड़ी देखी तो मैंने कहा ये तो अभी 4:30 बजे हैं, ये क्या चक्कर है, क्योंकि ये उठी 1 घंटा पहले उठ गई है, उठ के भी 1 घंटा पहले तैयार हो गई। खैर फिर मुझे तो पता था रास्ता, मैं तो पैदल पहुंच गया। तो फिर बाद में आके इसने मुझे बताया कि मैं जब नीचे आई तो मैं सोच रही हूं मैं कैसे जाऊं, मुझे तो रास्ता नहीं पता। और एक गाड़ी खड़ी थी, एक गाड़ी खड़ी थी, वहां भक्त थे और इन्होंने पहचान लिया, वो जो लेडी थी पहचानती थी, यहाँ इंडिया में मिली हुई थी, और उन्होंने कहा कि हाँ हम जा तो रहे हैं लेकिन मंदिर नहीं जा रहे, हम जहाँ गुरु महाराज ठहरे हैं वहां जा रहे हैं, वहां उनके लिए नाश्ता तैयार करना है, लेकिन हम आपको मंदिर छोड़ देंगे। तो ये 4:30 से पहले ही वहां 4 बजे पहुंची हुई थी मंगल आरती। तो भगवान जो है कैसे सहायता करते हैं, मास्को जैसे स्थिति में देखो, इसके बाद 1 पैसा नहीं है, रास्ता नहीं पता, और भगवान ने जैसे आपके लिए रथ भेजा इनके लिए भी रथ भेज दिया वाला। भगवान करते हैं भक्तों की रक्षा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युम प्रिया को कुछ कहना है? प्रद्युम प्रिया, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे भगवान पिता के समान है, जो बच्चा है वो पिता की गोद में चढ़ने की कोशिश करता है तो चढ़ नहीं सकता है, लेकिन जब पिता देखता है कि मेरी गोद में चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो अपने हाथ का सहारा देके गोद में उठा लेता है। उसी प्रकार से हम मंगल आरती में आने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं आ सकते, हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान फिर सहारा पूरा देते हैं। हरि बोल। तो मैं उसी घटना के संदर्भ में थोड़ा और प्रकाश डालूंगा कि हम 11:15 बजे एयरपोर्ट पहुंचे थे और लेट हो गए थे हम वहां पे। उससे पहले जो ड्राइवर था महोबा से आना था लखनऊ एयरपोर्ट, रास्ता भूल गया था, तो रास्ता भूलने के बाद वो इतना गुमराह हो गया कि उस 11:15 बजे भी वो आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। गाड़ी पुरानी थी और लाखों कंटेनर थे, मतलब कितने होंगे पता नहीं, कंटेनर ही कंटेनर थे 230 किलोमीटर की दूरी पे। जैसी रोड पे आए तो जैसे तैसे 11:15 बजे पहुंच गया, नहीं तो वो 1 घंटा और लेट पहुंचता, जैसे वो भ्रमित हो गया रास्ते में। तो 11:15 बजे पहुंचा, फिर प्रभु जी ने कहा वहाँ पे, उन्होंने कहा भाई अब इसके बाद कोई भी फ्लाइट नहीं है यहाँ से। तो फिर प्रभु जी ने कहा चलो चलो हम गाड़ी से चलेंगे। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, जान का खतरा नहीं ले सकते, दिल्ली पास में नहीं है, लखनऊ से दिल्ली 600 किलोमीटर दूर है और हमें हाईवे का भी रास्ता नहीं पता था, पहले समझ में ही नहीं थी कि हाईवे भी है। मैं सोचा कंटेनर पर, प्रभु जी का इतना उत्साह था, नहीं नहीं अभी छोड़ो चलो 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 ऐसे ही। तो प्रभु जी ने बोला, फिर कोई ड्राइवर तैयार हो सारथी कंपनी का, तो कोई भी ड्राइवर मना नहीं करेगा, अगर उसको कहेंगे भाई 4 बजे पहुंचाना है तुझे तो कहेगा 4 बजे मैं पहुंचा दूंगा, कोई भी कहेगा उसको 10-12 हजार रुपये बनने, कोई मना नहीं करेगा। बाद में कह देगा अगर 6 बजे आया 5 बजे, अरे भाई गाड़ी चल तो रही थी 120 की स्पीड पे चला के लेके आया हूँ मैं, और क्या करूँ, अब नई गाड़ी है मेरी खराब हो जाती, तो कोई भी ऐसे कहेगा चलने के लिए सब तैयार हो जाएंगे। पर इसमें विशेष रथ की बात जो लिखी है, ये वास्तव में भगवान ने ऐसा योग बनाया। हम इतनी बार गए, हम हमेशा सोचते भाई नई गाड़ी मिले प्रभु जी के लिए क्योंकि हमारा एक ही दिन का टर्न है, पर कभी भी नई गाड़ी नहीं मिलती, कभी कभी तो 3.5 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी पकड़ा देते और रास्ते में टायर पंचर हो जाता। तो उस दिन जो गाड़ी मिली, भगवान ने ऐसी प्रेरणा करी, उसके पास कई गाड़ियां पड़ी थी, उसने बताया कह रहे यार कागज पत्र रखना पड़ेगा, नई गाड़ी उठाई, नंबर प्लेट भी नहीं था उसमें, और उसने वही गाड़ी उठाई। अगर नई नहीं उठाई होती तो किसी भी हालत में 4:15 बजे या 4:30 आ नहीं सकते थे। प्रभु जी का नियम था कि 4:30 से पहले आना, मंगल आरती का मतलब 4:30 से पहले, तो आना ही आना है।
तो उसने कहा हाँ ठीक है 4:15 बजे पहुंचा दें। और फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि टायर वगैरह भी नहीं फटा। उस रोड के ऊपर जो है टायर बहुत फटते हैं, सीमेंटेड रोड है, और अगर जरा सी भी बाधा अगर हो जाएगा तो 130 की स्पीड में लेके आया गाड़ी को, तब वो पहुंचा है। अपनी गाड़ी की भी परवाह नहीं की कि पकड़ी जाएगी, हर कोई करता है, कोई भी नहीं चाहता, पर ये भगवान की ऐसी विशेष कृपा थी कि उसको ऐसा भ्रमित नहीं, यही गाड़ी लेके जाएगा, नई गाड़ी थी एकदम। माया, माया के विरुद्ध आप प्रचार करते हैं तो माया भी आपके विरुद्ध कार्य करती है। तो ड्राइवर को ही उसने, माया ने भ्रमित कर दिया, तो महोबा से लखनऊ के जो रास्ते में वो जो है भ्रमित हो गया, दूसरे रास्ते में ले गया, फिर इधर से इधर करते करते फिर वो जो है मतलब लखनऊ पहुंचा, इतने लेट पहुंचा कि फ्लाइट निकल गई थी। तो ये माया देवी ने ऐसा किया, यदि कृष्ण रक्षा की और कृष्ण रक्षा कर रहे हैं, कृष्ण ही रक्षा कर सकते हैं, माया से और कौन रक्षा कर सकता है, हमारी शक्ति नहीं है, माया शुद्ध करने की हमारी शक्ति नहीं है, हम बिल्कुल कमजोर हैं, कृष्ण ही रक्षा कर सकते हैं, कृष्ण ही रक्षा किया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की।